पहले POP के माध्यम से आलू उत्पादन करने के लिए जब बताया गया तो काफ़ी आश्चर्यजनक हुआ। खुद मुझे ही लगा कि पता नहीं ये कितने लोग जुड़ेंगे, कितने किसान लोग करेंगे। हमको पहली बार लग रहा था डर, थोड़ा घर से गार्जियन से भी डर लग रहा था और अपने में आप में महसूस हो रहा था कि पता ना होगा कि नहीं होगा। हमको भी ये लगा कि शायद गांव में हम बताएं महिला किसान के तो शायद समझ सके ना समझ सके। शुरू में तो हमको ऐसा लग रहा था कि मैंने ये दवा हम लोग लगा रहे हैं तो होगा आलू या नहीं होगा, मैंने शक था, डर बना हुआ था। तो सोच रहे थे कि पता नहीं ऐसा करने से मेरा फायदा होगा या घाटा होगा। तो पर साल तो बाल बच्चा तो बोल रहा था कि कैसा कैसा लगाएं मम्मी, कैसा होगा, क्या हम लोग खाएंगे, क्या बीती करेंगे। इन साल इन लोग बोली कि PAP द्वारा से लगा तो अच्छा होगा। हम बोले थे कि ये तो बकवास है, झूठा बात है, ये तो नहीं हो पाएगा, और यदि ठीक निकलेगा तब ठीक है और यदि नहीं निकलेगा तो आप लोग का 1 पैकेट के 8 पैकेट दंड लिया जाएगा। लोगों के मन में आशंका लेकिन कुछ नया करने की चाहत, यही सच्चाई थी जब हमने उन्हें पहली बार विधि पूर्वक खेती के बारे में बताया था। उनके मन के सभी शंकाओं को दूर करने के लिए तथा इसकी विधि पूर्वक खेती को समझाने के लिए उन्हें आलू की विधि पूर्वक खेती की विभिन्न चरणों के वीडियो को एक एक कर दिखाया गया। आप जानना चाहेंगे कि उसका परिणाम क्या हुआ, ये देखिए। इसी कारण से वीडियो दिखाने के बाद मुझे इतना गर्व लगा और उन लोग भी गर्व से बोली कि नहीं हम जरूर करेंगे। वीडियो देख के पहले हम लोग अपने अनुसार से लगाते थे तो कुछ हट के मतलब कि नहीं हो पाता था या पौधा मर जाता था, और इस वर्ष वीडियो देख के हम लोग लगाए तो अच्छा महसूस हुआ। इस वर्ष हम लोग को पौधा अच्छा रहा और अच्छा फसल भी हुआ। आलू का खेती तो हम लोग पहले से भी करते थे लेकिन इस बार निकी दी आलू का वीडियो दिखाई और बताई तो उनके विधि से बीज उपचार करके किए हैं। मुझे POP के बारे में पता चला तो हमने सबसे पहले मुझे समझ में आया कि आलू का बीज का चयन कैसे करनी चाहिए। छोटा छोटा उसको बीज उपचार किया, जो एक साइज में था उसको हम लोग लगाएं और उसमें M45 कुछ ऐसे दवा बोली थी डालने के लिए तो उसको डाल के हम लोग बीज छटाई करके लगाए हैं तो आलू अब एक साथ निकलता है। पहले जैसे तैसे हम लोग बीज के ले आते थे और उसी तरह लगा देते थे। बीज के छटाई कर रहे हैं कि किस साइज का बीज होना चाहिए और बीज छटाई करके घोल उपचार करके नहीं लगाते थे। उपचार करने में भी सुविधा आ गया, उपचार करते एक जैसा अंकुरित भी आ जाता और एक जैसा जमीन में जनरेशन भी ले लेते। नहीं पिछले साल तो पाला मार देता था और तना जो पीला पीला हो जाता था। पिछला बार हो जाता था कि मतलब आलू सड़ जाता था और नहीं तो मिट्टी ने पकड़ लेता था, दागी पकड़ लेता था। पहले तो पाला मार जाता था और फिर आलू उतना नहीं निकलता था। इनकी बातों को सुनकर इस बात का एहसास तो आपको भी हो गया होगा कि इसकी विधि पूर्वक खेती करने से सबको फायदा होता है, लेकिन कितना फायदा होता है और ये लोग अब कैसा महसूस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सर हम ये POP के तरफ से उपचार करके लगाए हैं, अरे बिना POP के उपचार बिना कर ले ही लगाए हैं। मैं ये आलू 5-6 हज़ार का नुकसान हो गया, हरी आलू अच्छा हुआ। पिछले वर्ष हम लोग जो आलू अपना विधि से लगाए थे, पिछले वर्ष 10 पैकेट लगाए थे, 25 पैकेट आलू पड़े थे और इस वर्ष POP द्वारा प्रोजेक्ट जब दिखाया गया था, POP द्वारा जब लगाए इस वर्ष 10 पैकेट के 40 पैकेट आलू पड़े। 2 पैकेट लगाते थे तो 7-8 पैकेट निकलता था लेकिन अब 10-12 भी निकला है, किसी का 10 निकला है। और पहले जितना ज़मीन में लगाते थे उसमें तो पिछले साल हमारा 4 पैकेट हुआ था और इस बार जब हम लगाए हैं तो उसी ज़मीन में 6 पैकेट आलू हुआ। थोड़ा सा जगह में लगाए 7 kg आलू, उसमें मेरा 50 kg आलू निकला और अच्छा लग रहा है, ताकि कि मेरा आलू अच्छा निकला है तो खुश है, घर परिवार सब मेरा खुश है। अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, अधिक पैसा आएगा तो खुशी तो आदमी उमंग से भर जाता है। अब तो लग रहा है कि अब इससे करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। फसल देख के मेरा अच्छा उम्मीद लग रहा है कि मेरा फसल भी अच्छा निकलेगा। अब तो बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत सुंदर है, सब परिवार खुश हैं। बच्ची से बोली, बच्चा सब बोला कि माँ ये तो बहुत सुंदर वाला बात है और सभी परिवार हम लोग बहुत खुश हैं। सब परिवार खुश है। आज जिस तरह से किसान का ये आलू उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है,
उससे काफ़ी किसान खुश हैं और जिस तरह से ये उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ है वो इतना खुश हैं कि अगले साल जितना इस वर्ष हम लोग किसान के साथ हम लोग काम किए हैं अगले साल इससे दुगुना तीन गुना भी जुड़ेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। हम खुश हैं तो है ये हैं लेकिन घर का फैमिली लोग इतना खुश है कि वाह बेटी तू कने सीखनी ये सब बतिया बहुत अच्छा खुशी की बात है।